गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज हम आप लोगों को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का फिफ्थ सेम का एक पेपर है जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका पेपर कोड है 1633505। उसका यूनिट वन स्टार्ट करते हैं, करने जा रहे हैं। ठीक है, जो उसका यूनिट वन है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हमने बताया था कि आपको जो ऑटोमोबाइल का जो बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है, इसमें तीन चैप्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के पढ़ने हैं और तीन हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट को पढ़ना है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का पहला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जानने हैं और प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कौन कौन से प्रिंसिपल हम लोग यूज करेंगे, जैसे मोटर हुआ, जनरेटर हुआ, ट्रांसफार्मर हुआ। ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स हम लोग देखेंगे। तो उसका आज हम लोग टॉपिक नंबर 1.1 कंप्लीट करेंगे। 1.1 में चार टॉपिक्स है, आप लोग सिलेबस देखोगे, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ। ये चार के साथ साथ और भी बहुत सारे पॉइंट्स बताएंगे, तो आप लोग सुनना। कोशिश करेंगे कि आप लोग को डिफिनेशन बोर्ड पे ना लिखें, आप लोग को डिक्टेट कर देंगे। ठीक है, आराम से करेंगे, आप लोग वीडियो को स्लो करके लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं। आप लोग को पता होगा कि कभी भी इलेक्ट्रिकल का अगर बात होगा तो दो चीज का जरूर बात होगा, एक या तो वोल्टेज या तो करंट। ये दोनों चीज को ही हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स पढ़ते हैं, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है। ठीक है, हिंदी में इसको विभव बोलते हैं और करंट को धारा बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या है। ठीक है, तो आप लोग वोल्टेज और करेंट के बारे में, तो हम लोग टॉपिक आप लोग हेडिंग डालिए वोल्टेज। ठीक है, टॉपिक डालिए वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है। लिखिए, वोल्टेज इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस और EMF। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं और इसी को EMF भी बोलते हैं। EMF का होता है, फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ठीक है, वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, EMF भी बोलते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा अंतर है इस सब में, मगर आप लोग उतना ही जाना, फिलहाल आप लोग यही समझिएगा। एक्चुअली हायर, जब भी ज़्यादा वोल्टेज का बात होता है तो इसका यूज करते हैं, जब दो पॉइंट का बात होता है तो इसका बात करते हैं, और जब कुछ पता नहीं चलता है तो इसका बात करते हैं। ठीक है, हम लोग आप तीनों के बारे में बताएंगे। जैसे आप लोग का कहीं से एनर्जी आ रहा है, कहीं से बहुत ह्यूज अमाउंट, बहुत ज़्यादा आ रहा है, लॉट्स मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है, तो इसको हम लोग वोल्टेज में बोल के EMF बोलेंगे। अगर ये एक बैटरी से आ रहा है, ठीक है, बैटरी से आ रहा है 10, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, तो इसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेज। वोल्टेज को EMF भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं। ठीक है, अब तो पॉइंट लिखिए आप लोग, वोल्टेज इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस और EMF। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वोल्टेज इज द डिफरेंस इन चार्ज, वोल्टेज इज द डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो ये वोल्टेज बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या EMF बोलो, इसमें क्या सिंपल और एक मतलब क्या समझते हैं कि कोई एक चार्ज है, इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का जो वर्क डन हुआ, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। जैसे दो तरीका से समझ सकते हैं, जैसे ये हमारे कंडक्टर, ठीक है, इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट किए, ये हमारा करंट है, ये हमारा वोल्टेज है, तो कोई चार्ज को यहां से वापस इसके पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव में जो आने का जो वर्क डन हुआ, उसी को क्या बोलते हैं वोल्टेज। इसका मतलब हम लोग वोल्टेज को ये भी लिख सकते हैं, वर्क डन ऑन चार्ज,
इसको भी लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बाय पी क्यू, ठीक है, क्या लिखिए डी डब्ल्यू बाय डी क्यू। चलिए और लिखते हैं, वोल्टेज इज इंडिकेटेड बाय ए लेटर वी, इट्स यूनिट इज वोल्ट्स, इट यूनिट्स इज वोल्ट्स, इट्स यूनिट इज वोल्ट। और एक वोल्टेज के बाद पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के बाद में एक और कॉन्सेप्ट बोला गया, जैसे ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मेरा जो फील्ड है, जैसे मेरा चार्ज का जो फील्ड है, अगर कोई इन्फिनिटी चार्ज कहीं भी इन्फिनिटी पे है, इसको लाने में जो वर्क डन हुआ, तो सिर्फ देखिए चार्ज को ही तो ला रहा है कहीं से, तो ये चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ, चाहे इन्फिनिटी से हो या कोई पॉजिटिव से नेगेटिव में आने के, तो कोई भी हमारे चार्ज को जो मूव कराते वर्क डन कराते उसी को हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वोल्टेज इज मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। हम क्या बोल रहे हैं, जिससे वोल्टेज मेजर किया जाता है उस मीटर या उस डिवाइस का नाम क्या है, वोल्ट मीटर। और कुछ कॉन्सेप्ट आता है, तो फिर से मैं बोल देते हैं, वोल्टेज क्या हो गया, दो पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस हुआ चार्ज का, उसको बोलते हैं वोल्टेज। और क्या, वोल्टेज इज आल्सो नोन एज ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या डिफिनेशन है, व्हेन ए चार्ज इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी लिख सकते हो, और भी लिख सकते हो कि इफ एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू टेक टू इन आवर फील्ड, मतलब अपने फील्ड में उसको ले आए, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब टॉपिक जारी, करेंट लिखिए, करेंट इज द rate at which charge is following. Next point लिखे, करेंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करेंट का क्या डिफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखो इट इज इन नेक्स्ट पॉइंट, ये फॉर्मूला लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, और ये लिखो, करेंट इज इंडिकेटेड बाय, इसको इंडिकेट किससे करते हैं, इंडिकेटेड बाय ए लेटर, कौन सा लेटर, आई से। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, एम्पेयर। और इसको जिससे करंट मेजर करते वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंट लिखो, द करंट कैन बी मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस, उस डिवाइस का नाम है एमीटर। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग करेंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाकी और भी चीज़ें, करेंट लॉ आया था, करेंट डिवीजन रूल्स, वोल्टेज डिवीजन रूल्स, तो वो सब आप लोग को अभी यूज नहीं है उतना डिटेल, मगर अगर आप इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल का वीडियो देखो, तो वहाँ हम करेंट लॉ भी बताए हैं, वोल्टेज लॉ भी बताए हैं, किचअप्स बताएंगे, किचअप्स करंट लॉ, किचअप करंट वोल्टेज लॉ। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, लिखिए रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर विच अपोजिज द फ्लो ऑफ करेंट. रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर विच अपोजिज द फ्लो ऑफ करेंट. लिखो नेक्स्ट पॉइंट. रेजिस्टेंस कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी. रेजिस्टेंस कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी. लिखिए रेजिस्टेंस का सिंबल बना लीजिए, या रेजिस्टेंस को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं. ठीक है, आर से इंडिकेट करते हैं. इसका जो यूनिट है, यूनिट मतलब मात्रक, इसका यूनिट जो होता है ओम होता है, ओम बोलो, या इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं. ठीक है, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे रेजिस्टर मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ओम मीटर. और नाम से पता चला ओम, एक्चुअली रेजिस्टेंस के बारे में ओम भैया ने बताया था, इसी के लिए उसका नाम ओम मीटर रख दिया गया है, जो मेजर करता है ओम मीटर. ठीक है, इसके अलावा रजिस्टर का फिगर बनाना चाहते हैं तो रजिस्टर ऐसा होता है. ठीक है, ओके, कहीं कहीं ऐसा दिखाते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी दिखाते हैं. ये भी रजिस्टर, ये भी रजिस्टर, ये क्या हो गया सिंबल, ये टर्मिनल है, एक तार दूसरा तार, टर्मिनल वन टर्मिनल टू. ठीक है, कोई भी किधर भी लगा सकते हैं, क्योंकि कहीं यहाँ से भी वही दिखाते हैं, यहाँ से वही दिखाता है. ये हम लोग बोल सकते हैं बाइलेटरल एलिमेंट है, दोनों तरीके से काम कर सकता है, दोनों तरफ कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव दे सकते हैं. और लिखना चाहते हो लिख सकते हो. ठीक है बेटा, रजिस्टर दो तरीका से कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब रजिस्टर ऐसे लगता है, एक सीरीज, दूसरा सीरीज, तीसरा सीरीज. ठीक है, आर वन आर टू आर थ्री. पैरेलल का मतलब ऐसा होता है, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर, आर वन आर टू आर थ्री. ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो हो गया सीरीज. तो इसमें क्या होता है, इसमें करंट सेम होता है, करंट हमेशा आएगी. इसमें जो होता है करंट जो होता है वो बढ़ता है, करंट आई वन आई टू आई थ्री. मगर इसमें वोल्टेज जो होता है विवो जो है वो बराबर होता है, सब में भी जाएगा, क्योंकि देखो वोल्टेज वोल्टेज. इसी के लिए हम लोग घर में जो कनेक्शन करते हो पैरेलल में करते हैं, ये सबको 220 220 220 में. मगर इसमें क्या होता है वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा, इसका वी वन, इसका वी टू, इसका वी थ्री. तो ये होता है सीरीज, ये होता है पैरेलल. सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर तुमसे कोई पूछेगा टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो कुछ नहीं करेंगे, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तीन रेजिस्टर है. ठीक है, तीन अगर रेजिस्टर है तो क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू. सेम इसमें पूछेगा इक्विवेलेंट का मतलब होता है मिला के, तीनों को मिला देंगे तो कैसा रजिस्टर बनेगा. तो कुछ नहीं, सीरीज में रहेगा तो तीनों को क्या करेंगे, सिंपली जोड़ देंगे. अगर पैरेलल में रहेगा, ठीक है, तो अगर पैरेलल में कोई निकालने को लेकर, तो इसका निकालने का फॉर्मूला ये है, वन बाई आर इक्विवेलेंट इज वन आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री. ठीक है, जैसे तुमसे एक एग्जांपल पूछते हैं, तुमसे पूछते हैं ए और बी के बीच में कितना रजिस्टर है,
क्वेश्चन क्या पूछा, यहाँ बताइए ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा करंट इधर इधर बढ़ जा रहा है, वोल्टेज दोनों का सेम है, इसका मतलब कौन सा कंडीशन है, पैरेलल। अब पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, 1/R, यही तो था। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना आएगा, 2/3 करके देख लीजिए। और सेम इसको जब निकाल, अब इसको जब दोनों मिल जाएगा तो ये बन जाएगा, तो इसको आप सिंगल एक कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2/3 और ये है 3। अब ये दोनों क्या है, सीरीज में, तो सीरीज में क्या होगा, सिंपली जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 11/3। तो ये हमारा, और इसका यूनिट ओम में बताते थे, यही आंसर हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। तो सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना है, मगर थोड़ा बहुत देख लीजिए। चलिए इसके अलावा रेजिस्टेंस के बारे में और बता देते हैं। ये जो रेजिस्टेंस होता है लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ और एरिया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जो कॉन्स्टेंट आता है उसका नाम है, ठीक है, इसी के लिए खेला होता है। ये हमारा लेंथ हो गया, ये एरिया हो गया और ये हमारा रेसिस्टिविटी हो गया। रेसिस्टिविटी मतलब मटेरियल का प्रॉपर्टी को रेसिस्टिविटी बोलते हैं। और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो कल तुमसे कोई बोलेगा कि रेसिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना, R into A/L। और रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए इसका यूनिट हमको पता है ओम है, और एरिया का हमको पता है मीटर स्क्वायर है, लेंथ का मीटर है, तो मीटर मीटर कट जाएगा, एक मीटर बचेगा, तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ओ मीटर। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी का यूनिट ओ मीटर। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का कुछ कॉन्सेप्ट था। लास्ट टॉपिक डालते हैं ओम्स लॉ, लिख लीजिए लिखना चाहते हो। नेक्स्ट टॉपिक डाल रहे हैं ओम्स लॉ, वो लिख लीजिए। ओम्स लॉ देखिए, ओम्स लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेंपरेचर कॉमा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current flowing through this element, या सर्किट, कुछ भी लिख सकते हो। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, या अगर हम लोगों का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको वोल्टेज बोलते, तो किसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यही है ओम्स लॉ। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जो कॉन्स्टेंट आता है उसको नाम है रेजिस्टर आर, और यही आर क्या है, आर इज रेजिस्टर, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से तुमसे कोई भी फॉर्मूला पूछ सकता है कि वी का क्या फॉर्मूला होता है, तो वी का क्या होता है, आई आर। सेम तुमसे कोई आर का पूछ सकता है तो क्या होगा, वी बाई आई। कोई तुमसे आई का पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, वी बाई आर। ये तीनों फार्मूला है। इसके अलावा कभी कभी आप लोग से ये पूछता है पावर का क्या फार्मूला होता है। ठीक है, पावर का तो थोड़ा बहुत पावर देख लेते हैं। ठीक है, पावर क्या होता है, पावर होता है कोई भी वर्क जो है समय के साथ जो चेंजेस हो रहा है। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो क्यू क्यू वैसे भी कट ही जाएगा, तो यही तो डब्ल्यू बाई टी बचेगा, और ये डब्ल्यू बाई क्यू को हम लोग बोलते थे, क्या देख रहे हैं,
पावर का एक और फॉर्मूला हो गया वी इंटू आई। अब यहाँ से वी का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वी की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं आई आर, तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला आई आर। सेम यहाँ आई की जगह हम लोग कुछ और चेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब पावर का यूनिट जो होता है वो क्या होता है वाट, क्या है पावर का यूनिट। ठीक है, तो ये इतना चीज़ आप लोगों को इस यूनिट में देख दिखाना था। पावर के बारे में पूछता है कि पावर कहाँ से है, तो पावर कुछ नहीं, जो वर्क डन समय के साथ हो रहा है उसी को पावर बोलते हैं। कोई भी कार्य समय पे जो हो रहा है डी डब्ल्यू बाई डी टी। और यहाँ देखो हम लोग क्यू डी क्यू डी क्यू से डिवाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे कि कठिन कट के तो वही हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब डी क्यू बाई डी टी हम लोग पढ़े थे, याद करो वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़े थे, वोल्टेज में हम बताए थे क्या भी कोई भी वर्क डन हो रहा है कोई चार्ज पे, और करेंट का क्या बताए थे चार्ज के हिसाब से समय के साथ, यही तो दो बताए थे। देखो तो ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया। अब देखो यहाँ से हमको पता है वी का फॉर्मूला आई आर है, तो आई आर के हम वी की जगह आई आर पुट किए हैं तो ये फॉर्मूला आ गया। सेम हम लोग क्या किए इस बार आई की जगह ये वी बाई आर किए, तो फॉर्मूला क्या आ गया वी स्क्वायर। तो टोटल पावर का तीन फॉर्मूला है, पावर का यूनिट क्या होता है वाट। ठीक, पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट किस में दिखाते हैं वाट में, वाट में कभी कभी किलो वाट में भी दिखाते हैं, कभी हॉर्स पावर में एचपी में हॉर्स पावर में दिखाते हैं। तो ऐसे ऐसे यूज आएगा आप लोगों को बताएंगे। ठीक है आरपीएम ए क्लास, ये आपका यूनिट वन का 1.1 का कॉन्सेप्ट लेक्चर 1.1। ठीक है, नेक्स्ट डे आप लोगों को नेक्स्ट 1.2 बताएंगे। ए क्लास, थैंक यू।